सभी लोगों को मेरी तरफ से भैया दूज। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों, आज है भैया दूज और आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भी मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। कल भी गई थी, कल मैं गई थी प्रसाद देने के लिए दिवाली का और दिवाली मिलने के लिए, और आज मैं फिर जा रही हूँ भैया दूज मनाने के लिए। तो दोस्तों, आज भी हम जाएंगे भैया के घर और भैया दूज सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो बनाए रहिएगा। और चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। और देखो, मेरा तेल आप लोगों से बात करते करते धुआं छोड़ने लग गया है। और दोस्तों, मैं बना रही हूँ नाश्ते में बैगन का भरता, और साथ में बनाऊंगी रोटियां, और चाय भी रेडी हो चुकी है। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। संदीप गया है घूमने के लिए, पीयू को लेके सुबह मॉर्निंग में वो घूमने जाता है, तो वो घूमने के लिए गया है। और फिर मैं फटाफट से खाना रेडी कर दी थी ब्रेकफास्ट, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, मेरा सारा काम निपट गया है। कपड़े भी मैंने पीयू के धो दिए। देखो कितने सारे कपड़े धोए अभी मैंने पीयू के। नाश्ता वास्ता भी सब तैयार हो गया, सब कुछ कर लिया है हम लोगों ने, नाश्ता भी हो चुका है। अब मैं रेडी होती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जाना है भैया दूज के लिए भाई के पास। और सुबह सुबह ही होती है ना पूजा भैया दूज की, तो चलो वहाँ जाना है। तो फिर उसके लिए मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पर मैं पहले दिखाती हूँ और संदीप अभी क्या करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ देखो क्या चल रहा है। सुबह सुबह भाई संतरे कौन खाता है? पीयू खा जाता है। ये देखो संतरे खा रही है पीयू। है पीयू, आप क्या खा रहे हो? ऑरेंज। क्या बोलते से? ऑरेंज। ओ फॉर ऑरेंज। हाँ, ये इसको आजकल जरा हम ABCD की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि इसको अल्फाबेट जल्दी से याद हो जाए। तो इसलिए हम जैसे जो चीजें होती है वो दिखा दिखा के, जैसे ओ फॉर ऑरेंज होता है, अगर कॉपी में दिखाएंगे इसे, बुक में दिखाएंगे, तो उससे ज्यादा अगर हम इसे दिखा के तब इसको याद कराएंगे तो ज्यादा याद होगा। और मेरे बेटे को याद भी हो गया ना, बेटू ABCD याद हो गए ना सारे? बस लास्ट के जो अल्फाबेट है वो याद नहीं है, बाकी तो उसको याद हो गया ना। पियो, मायके जाने के लिए मैं रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो तभी मिलते हैं सीधे वहाँ। तो मैं आ गई हूँ अपने मायके, और अब हम करने वाले हैं भैया दूज बनाने वाले हैं। तो क्या हो गया? तो हम भैया दूज बनाने वाले हैं। मम्मी भी तैयारी कर रही है सब्जी। जी क्या कर रही हो? तुम सब्जी बना रही हो? सब्जी बना रही हूँ। पीयू पीयू समोसा खा रही है, और अब हम भैया दूज बनाते हैं, है ना? और यहाँ पापा क्या कर रहे हो आप? पापा आटा गूंद रहे हैं। और ये देखो, ये पकौड़ी के लिए तैयार कर रखा है पापा ने। अच्छा, पकौड़ी बनेगी आज, है ना? जॉनी हेलो। तो चलो भैया दूज बनाते हैं। तो पहले अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर भाई दूज बना रही है। हाँ, पैर छूना भाई। तो थोड़ा सा टीका हम भी लगा लेते हैं। हम
हमने भी आज टीका नहीं लगाया, देखो टीका लगाना चाहिए। और बाकी सरप्राइज को भी टीका लगाते हैं। अच्छा मुझे मम्मी वो नहीं आता, वो आप करना, वो नहीं आता वो आप करो। ये हो गया, तो चलो मम्मी आ रही है और मम्मी पीहू को आशीर्वाद देंगी। चूर लगाएंगे, चूर लगाएंगे चियो। तो चलो मम्मी स्टार्ट करो। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भैया दूज आखिर मनाया क्यों जाता है, तो इसके पीछे एक रीजन है। यामी और यमराज दो भाई बहन थे, तो यामी अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी यमराज को, तो उन्होंने मतलब कि ये रस्म स्टार्ट करी थी गोला देने की। मतलब गोला देने की क्या मतलब, ये रस्म बनाया था उन्होंने, ये रस्म स्टार्ट करी थी और उन्होंने एक वरदान मांगा था यमराज जी से कि इस दिन जो है ये भैया दूज बनाएगी उसको यमराज का, उसके भाई को यमराज का कोई डर नहीं होगा, तो इससे ये भैया दूज बनाया जाता है, इसका ये रीजन है। तो चलो मम्मी चूर लगा रही है और मतलब एक तरीके से आशीर्वाद दे रही है। मम्मी इधर को दिखाओ, चलो जो मम्मी आपने बोला उसका क्या मतलब होता है? मतलब उसका दूध इतना जड़ डालता है कि कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ। घोड़े पे कभी सिंग ही नहीं आता। हाँ। कि तब तक जिएगा वो। हाँ। कद्दू से फैलता बहुत ही फैलता है उसकी बेल। हाँ, वैसी फैलना है। हाँ। है शाव की अकल इतनी तेज होती है। हाँ। उसी अकल बुरा बुरी तेज भागो। अच्छा। हाँ, लो बेटा। तो मतलब ऐसे ऐसे इसमें शब्द यूज किए गए हैं कि उसी तरीके से मतलब हम भी बने, तो वो आशीर्वाद दिया जाता है। ये देखो तो पियू को देखो पैसे मिल गए। अरे वाह, पियू को पैसे मिल गए हैं इधर देखो। हाँ नंदे हैं। अच्छा चलो अभी हाथ साफ कर देंगे, ठीक है? ठीक है ना। सभी लोगों को मेरी तरफ से भैया दूज। तो यहाँ देखो मेरा एक और भाई आ गया, इसे भी मैं बचपन से राखी बांधती हूँ, तो फिर भैया दूज भी बनाती हूँ, तो कितनी लेट आ रही है। और भैया दूज भी बना लिया मैंने इसके साथ। हाँ तो यहाँ पे अब बुआ जी आ गई हैं और अब वो मतलब कि भैया दूज करेंगी। चलो आप करो। हाँ दिया तो है नहीं, चलो कोई नहीं, बाटी होनी चाहिए, बाटी ना हो तो होंठ होने चाहिए, पैर होने चाहिए। गोला कैसे रखते हैं? ऐसे गोला पापा के हाथ से दो ना। हाँ गिफ्ट पकड़ो भैया की तरफ से। पापा को कम कम खिलाना, उन्हें शुगर है। त्योहार है तो कुछ मीठा हो जाए। और बड़े और इसे हम मध्यम करेंगे, फिर उसके
आज हम लोग अपने खाने के लिए बनाएंगे। यहाँ देखो फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे जरा। और आपने बनाया भैया, दूध बना लिया? कहाँ बनाया आपने? अपने भाई के मेरे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वो मेरे को टीका लगा रही है, लगाओ बेटा। लगाओ, सब लगाओ। सब एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं, तो प्यू कह रही है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी टीका लगाऊंगी, तो वो सबको टीका। अच्छा ठीक है, नमस्ते जी। तो क्या कर रहे हो बाप, पूरी तल ले हो? बाप रे, बाबा ने तो इतने सारे बना भी दिए। क्यों, आप तो बड़े बना रहे थे इनके भर के अंदर? पूजा के लिए तो बना दी मैंने, दो ही तो बनाने थे। मैं भी थोड़ा पापा की हेल्प कर देती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो चलो फिर हम भी पूरी बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो मेरी बुआ भी आ गई है भैया दूज के लिए। और बुआ क्या खा रहे हो अभी आप? कद्दू की सब्जी, बड़े और पूरी मम्मी ने बनाई है। तो ये मेरी बुआ है। दोस्तों मैं चली गई थी मार्केट किसी काम से, तो बुआ ने भैया दूज बना लिया, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी तो कितने सारे भैया दूज बनाने हैं ना। हाँ तो सब, चलो दोस्तों मैं घर जा रही हूँ मेरी, और बुआ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और मम्मी बाय, लीला बाय, सबको बाय बाय। कल आऊंगी, हाँ वहाँ आऊंगी, बुआ के जाएंगे है ना। हाँ ठीक है ठीक है, तो चलो ठीक है फिर मैं, हम चलते हैं। ओके बाय, चलो फिर बाय। हाँ अरे बाय करो भाई। बाय बाय बाय, ठीक है ठीक है। तो चलो दोस्तों घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगी और आज का ठंडू का दिन है, तो शाम जल्दी हो जा रही है, इसलिए टाइम से निकल जाते हैं ना। ओके